सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने सेकेंडरी यानी कि कक्षा 10 और सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा होने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2022 के नतीजों की घोषणा जल्द की जाएगी। ऐसे में छात्रों के डिजी लॉकर अकाउंट पर 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन लगाया गया है, जिसे स्टूडेंट को एक्टिव करना होगा। आपको बता दें कि सीबीएसई रिजल्ट 2022 की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को उनके डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सीबीएसई ने इस पूरे प्रोसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक डिजी लॉकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एलओसी विवरण को भरना होगा, लॉगिन एज स्कूल को सिलेक्ट करके सबमिट करना होगा। नए पेज पर डाउनलोड पिन फाइनल करके क्लिक करें। कक्षा 10वीं या 12वीं के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश आपके लिए लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई बोर्ड की लेके आ रहा हूँ। मेरे बच्चों सभी को नमस्कार। और जैसा कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हुए काफ़ी दिन हो गए और अब बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, क्योंकि उनके अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं। ऐसे में बच्चे परेशान हैं कि हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे। डेली कोई ना कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालता है कि कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, लेकिन आज हम आपको रियल अपडेट देंगे सीबीएसई का रिज़ल्ट कब आएगा। और इसीलिए मैं आप देख पा रहे हैं मैंने सीबीएसई की साइट खोली हुई है, जिससे कि हमें पूरी जानकारी मिलेगी और एक नोटिस है जिसको पढ़ाया जाएगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे। तो जब हम सीबीएसई की साइट खोलते हैं तो आप यहाँ पर देखें जो लेटेस्ट सीबीएसई का अपडेट आया, सिक्योरिटी पिन फॉर डीजी लॉकर अकाउंट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट टू एसेस देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट सर्कुलर यूज़र मैनुअल न्यू। जैसे कि पिछले सालों से ये हमें बात क्लियर हो गई है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा, तो कई बार साइट में प्रॉब्लम आ जाती है और इस वजह से काफ़ी बच्चे रिज़ल्ट नहीं देख पाते। इसलिए बोर्ड चाहता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो डीजी लॉकर के थ्रू लिखें। क्या है ये नोटिस, अब हम इसको यहाँ पर देखेंगे और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, और डाउनलोड करने के पश्चात आप देखेंगे कि नोटिस क्या है। लेटेस्ट नोटिस है ये आपके डीजी लॉकर के बारे में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 पेज का ये नोटिस है पूरा का पूरा, और इसमें पूरा प्रोसेस समझाया गया है किस तरीके से आपने पूरा अपडेट लेनी है। तो ये क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे जो स्कूलों को पिन दे दिए गए, 4 पिन है जिसके थ्रू वो अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो वहीं से आपको डाउनलोड होने वाला है। तो इसमें हम ये बात बता देंगे कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास ऑथेंटिक न्यूज़ आ रही है, एक बहुत ही बढ़िया अपडेट्स है जहाँ से हमारे पास सोर्सेस मिलते हैं, जहाँ से हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो उसमें ये बात बताई जा रही है कि जो दसवीं की जो रिज़ल्ट है, दसवीं क्लास का जो रिज़ल्ट है वो हमारा जो है लगभग क्या है, तय हो चुका है, 20 जुलाई को आ जाएगा। 20 जुलाई को हमारे यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा हमारी दसवीं कक्षा का रिज़ल्ट 20 जुलाई को आ जाएगा, और उसके 3 या 4 दिन के तुरंत बाद हमारी 12वीं कक्षा का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट, और इसके साथ मैंने दैनिक जागरण की एक क्लिपिंग लगाई है, उसमें भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, वो भी वीडियो आप जरूर देखें। धन्यवाद वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ एजुकेट चैनल।